हाय गाइज, हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो के जरिए बात करने वाले हैं कुछ सीरीज़ के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए। तो फर्स्ट अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग नेटफ्लिक्स की आउटर बैंक्स की सीजन 3 के लिए बेसब्री से वेट कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए अच्छी खबर है क्योंकि इसकी सीजन 3 की जो लास्ट शेड्यूल की जो फिल्मिंग है उसकी डेट निकल के आ चुकी है। जी हाँ गाइस, इसकी सीजन 3 की जो फिल्मिंग है वो अगस्त के मिड तक कम्प्लीट हो जाएगी। और वैसे इसकी सीजन 3 की फिल्मिंग है वो फरवरी के महीने में स्टार्ट हुई थी। और अगर हम बात करें कि कब तक हमें इसकी सीजन 3 है वो देखने को मिल सकता है, तो गाइस अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसकी सीजन 3 है वो नेटफ्लिक्स पर इस साल के दिसंबर के एंड में या फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी के महीने में देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसकी पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इससे पहले जो इसकी सीजन 2 आई थी उसकी पोस्ट प्रोडक्शन में करीब 4 महीने का वक्त लगा था। तो मे बी इसकी सीजन 3 में भी इतना ही समय लगेगा क्योंकि एपिसोड सेम होने वाली है। तो अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग अभी अभी अम्ब्रेला एकेडमी की सीजन 3 को कंप्लीट किए हैं और इसकी सीजन 4 के लिए वेट कर रहे हैं। तो उन सभी को बता दो कि रिसेंटली एक अच्छी अपडेट निकल के आ रही है इस सीरीज के शोरनर स्टीव ब्लैकमैन के तरफ से। जी हाँ गाइस, रिसेंटली द रैप के इंटरव्यू के दौरान इस सीरीज के शोरनर ने यह कंफर्म किया कि अगर इसकी सीजन 4 की जो रिन्यू है वो होती है तो इस सीरीज की सीजन 4 है वो इस सीरीज के फाइनल सीजन होगी। और साथ में उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि इसकी सीजन 4 की जो एंडिंग है वो काफी अच्छी होगी, जो व्यूअर्स को काफी पसंद आएगी। लेकिन रिसेंटली रूमर्स निकल के आ रही है कि इसकी सीजन 4 की जो डेवलपिंग का वर्क है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो फिलहाल आपको वेट करना पड़ेगा नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की इसकी सीजन 4 के लिए। तो जो भी हो, अगर इन फ्यूचर कोई भी अपडेट निकल के आएगी तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। तो अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग स्नो पियर्सर की सीजन 4 के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि इसकी भी सीजन 4 की जो लास्ट शेड्यूल की जो फिल्मिंग है उसकी डेट निकल के आ चुकी है। जी हाँ गाइस, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसकी जो सीजन 4 की जो फिल्मिंग है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल इसकी सीजन जो 4 की फिल्मिंग थी वो मार्च के महीने से स्टार्ट हुई थी और अपडेट के अकॉर्डिंग इसकी जो पोस्ट प्रोडक्शन का जो वर्क है वो जुलाई के महीने यानी नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगी। यानी फिल्मिंग के साथ साथ इसकी जो पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क है वो भी चलेगी। और अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसकी सीजन 4 है वो नेटफ्लिक्स के साथ साथ अपने ओरिजिनल नेटवर्क पे जनवरी 2023 से वीकली बेसिस पे रिलीज होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि इसकी अभी तक जितनी भी सीजन्स आई है वो नेटफ्लिक्स के साथ साथ अपने ओरिजिनल नेटवर्क पे वीकली बेसिस के तौर पर रिलीज हुई है एक साथ, यानी एक दिन आगे पीछे। और साथ में ये भी कंफर्म है कि इसकी सीजन 4 की जो सभी एपिसोड है वो इंडिया में हिंदी डब लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। तो अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमारा अगला अपडेट है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 से। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसकी जो सेकेंड वेल्यू में सीजन 4 की वो रिलीज होने जा रही है नेटफ्लिक्स पर वर्ल्ड वाइड 1 जुलाई को। तो ऐसे में एक बुरी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ गाइस, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इस सीरीज के जो क्रिएटर है डफर ब्रदर्स, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि इसकी सीजन 4 के एंड में यानी सेकेंड वेल्यू के एंड में कुछ मेजर डेथ है वो हमें देखने को मिलेगी। तो देखना होगा कि आखिर कौन सा करेक्टर की जो डेथ है वो इसकी सीजन 4 की सेकेंड वेल्यू के एंड में होती है। तो इस बात का तो पता हमें 1 जुलाई को ही पता चल पाएगी जब हम इस सीरीज की सेकेंड वॉल्यूम को देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट है। अगर इन फ्यूचर कोई भी अपडेट निकल के आएगी इसकी सीजन 4 के रिलेटेड तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।